नमस्कार, एनडीएन नांदेड न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. सबको नमस्ते. आज बिलोली के पेशेंट, कुछ दिन पहले हमारे पास प्रसूति गृह में उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था, यानी कि उनकी जो बच्चेदानी है वो फूट गई थी. उसके बावजूद उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस थी. ऐसे सीरियस कंडीशन में हमारे पास एडमिट होने के बाद हमारे प्रसूति गृह में जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे उन्होंने एकदम अच्छे से ये पेशेंट की ट्रीटमेंट कर उनकी जान बचाई. आज ये जो सब परिवार यहाँ पे आया है उनके चेहरे पे जो खुशियाँ हमको दिख रही है कि उनका पेशेंट एक बड़ी संकट या मुसीबत से बाहर निकला है. तो मैं इस मेडिकल कॉलेज का अधिष्ठाता बोल के आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल में ऐसे ही जो पेशेंट रहते हैं कॉम्प्लिकेशन वाले, गरीब, शेतकरी, कामगार, ये यहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम 100% अच्छी से अच्छी सर्विस देते हैं. सालाना हमारे पास कम से कम 9,000 से लेकर 10,000 डिलीवरी होती है. उसमें से 3,500 कम से कम सीजरियन सेक्शंस वगैरह होते हैं. तो इतनी अच्छी सेवा पूरे महाराष्ट्र में भी आप कंपेयर करोगे तो नांदेड़ का नंबर शायद पहले नंबर पे रहेगा. यहाँ पर जब मुझे लेकर आए थे तब मुझे होश नहीं था कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं, पर यहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, उसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी एक नई ज़िंदगी हुई. और ये सब, ये जितनी टीम है उन सब की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ. हमारे अयूब भाई, डीएम सर और ये सब बाकी टीम जितनी भी है, जैसा कि इन लोगों ने भी मुझे इतना हौसला दिया. मतलब मुझे जब होश आया, मेरा बच्चा तो नहीं रहा दुनिया में पर उसका गम भी मुझे बहुत था, पर ये लोगों ने मुझे उनकी बातों से ऐसी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक हौसला दिया कि मैं क्या बताऊँ. सबसे ज़्यादा श्रद्धा मैम एक ऐसी थी, श्रद्धा मैम नहीं, उनको श्रद्धा माँ बोल के पुकारे तो भी आज कम है. उन्होंने मुझे ऐसा हौसला दिया. बस मैं सबका दिल से शुक्र अदा करती कि मैं आज जो भी हूँ इन सब की वजह से आज खड़ी हूँ सबके सामने. जैसा कि कुछ दिन पहले बिलोली के मुश्ताक साहब का मुझे एक फ़ोन कॉल आया था कि एक पेशेंट बिलोली से हम लेकर आ रहे हैं. वो पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी उसको हाथ नहीं लगा रहे थे. तो जैसा इनको कहा गया कि भाई आप इसको इनको सरकारी लेकर चल जाओ, जैसा सरकारी दवाखाने में ये आने से पहले हमने डीन साहब को फ़ोन कॉल किया. डीन साहब ने अपने स्टाफ को बुलाकर काम पे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्ची का 1.5 महीना ट्रीटमेंट, ये स्टाफ के जितने भी मैडम है इनका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है. मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज करते हैं डॉक्टर्स, मगर जब आखिरी में थक हार जाते हैं तो वो तो तुमको सिविल ही भेजते हैं. तो उससे बेटर है कि आप सिविल हॉस्पिटल आए, यहाँ का ट्रीटमेंट देखें. जो लोगों ने एक भ्रम फैलाए वाला है कि भाई सिविल में ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं है. सिविल हॉस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है. 3 महीने पहले हमारे पास उम्मे सलमा नाम की पेशेंट आई थी बिलोली से. जब वो हमारे पास आई थी तब उसके शरीर में खून बहुत कम था, 4 से 5 पॉइंट ही था. उस समय उसके पेट में भी बहुत दुख रहा था, उसको होश ही नहीं था. फिर हमने हमारे बड़े मैडम के साथ, निषाद मैडम के साथ उसको जब एग्जामिन किया तो पता चला कि उसका यूट्रस ही रप्चर हो चुका है और अंदर बच्चे की मौत हो चुकी है. उस टाइम पे हमको तुरंत डिसीजन लेना था और उस टाइम पे हमारे मैडम के साथ, हमारे बड़े सर के साथ डिसीजन लिया गया और उसका हमने सीज़र किया. सीज़र में देखा कि अंदर से यूट्रस जो है वो फट चुका है. उसके बाद हमने बच्चा तो निकाला पर हमने देखा कि सीज़र में गर्भपिश्वी जब हम सिल रहे थे उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी. तो उस केस में घर वालों से सहमति लेकर हमने उसका गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन किया, जिसे ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्टरेक्टमी बोलते हैं. उस ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट की स्थिति बहुत क्रिटिकल थी. पेशेंट को हमने 6 से 7 दिन सीधा पूरे ICU में रखा. उसके बाद भी हमने उसको मॉनिटरिंग करी. पेशेंट को हमने बहुत सारे ऑक्सीजन मास्क, बड़े बड़े
बड़े बड़े बड़े डॉक्टरों से, अलग अलग डॉक्टरों से उसका एग्जामिनेशन करवाया। उसके बाद पेशेंट जो है उसकी स्थिति अच्छी हुई और पेशेंट की आज कंडीशन अच्छी है कि 3 महीने के बाद हमारी पूरी टीम ने मिलके, चाहे हमारे जूनियर डॉक्टर हो, हमारे सीनियर डॉक्टर हो, हमारे सीनियर मैडम हो, हर किसी ने, हमारे डीन सर ने भी आके उनको उनके बारे में पूछा, उनके घर वालों ने, उनकी बहन ने, उनके हस्बैंड ने, सब ने उनकी बहुत सेवा की है, तब जाके उम्मे सलमा आज यहाँ तक है। वो उसकी खुद की भी पर्सनल हिम्मत है जो वो आगे बढ़ी है, और हमारा स्टाफ, उसके घर वाले, सबकी दुआ है कि वो जो आज बची है और आज वो हमारे सामने खड़ी है। तो शुक्रिया सिर्फ उसका नहीं है, भगवान का भी है और हमारी पूरी टीम का है। तो इसमें किसी एक का हाथ नहीं है, सबने मिलके उसकी सेवा की है और उसका खुद का विल पावर है जो आज वो यहाँ पर खड़ी है। तो इसीलिए हमारी पूरी टीम को और हम सबकी तरफ से उम्मे सलमा को हम थैंक यू कर रहे हैं कि हमने जो सेवा की और उसके घर वालों ने हमको कोऑपरेट किया। मतलब कोऑपरेशन नहीं रहेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें योगदान सबका है, तब जाके उम्मे सलमा आज यहाँ पर खड़ी है। उसका विल पावर है, मतलब गर्भाशय निकालना यंग उम्र में, ये फीमेल के लिए क्या होता है वो बस वो ही समझ सकती है। उस कंडीशन में वो खड़ी है तो वो उसका विल पावर है और उसके घर वालों। ऐसे हमारे पास और भी पेशेंट आए हैं जिसमें हमारी मैडम ने, आप इधर कैमरे पे दिखा सकते हैं, हमारे जो निषाद मैडम है ना, वो ऐसे कई पेशेंट्स की जान उन्होंने क्रिटिकल टाइम पे ही बचाए हैं। उनका सही डायग्नोसिस और तुरंत ही क्या अपन को ट्रीटमेंट करना है, हमारे बड़े सर, हमारे डीन सर, हमारे दुलेवाड़ सर, हमारे ऐसे और भी सर हैं जो हमको सबको आगे गाइड करते हैं कि आगे हमको क्या करना है।